भाई क्या चल रहा है? ईद मुबारक। ईद के साथ ज्ञानी वापस, अभिषेक आनंद पे अभिषेक वापस। अब ये देखो, ओपनिंग वीडियो की दोनों सेम हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है, बट वीडियो जाएगी दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है? तो अपने हिसाब से देखना। अभिषेक आनंद पे जा रहे हो तो अलग स्टोरी जाएगी, अभी ज्ञानी पे देख रहे हो तो अलग स्टोरी बताई जाएगी। तो मर्जी तुम्हारी है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। तो जिनको नहीं मालूम, मैं एक्चुअली बीमार था, ठीक है? तो मैंने इंस्टा पे अपडेट किया था, बट तुम्हें यहाँ ट्विटर पे बताना भूल गया था। तो फिर मेरे को इसी ने टैग किया कि भाई कहाँ हो, जिंदा हो? तो उसकी फ़ोटो पे मैंने रिप्लाई किया कि हॉस्पिटल में हूँ, और मैंने एक फ़ोटो डाल दी जो मैंने इंस्टा पे पोस्ट की हुई थी, बट मैं ट्विटर पे नहीं था। तो मैंने पहले तो उसको आउटरेज कर दिया, जे बॉय जे डॉग, पीपल लव मी, स्टिल डू, आई नो, बीमार है तो क्या हुआ, प्यार बना लेना चाहिए, कुछ भी। मुझे, मैं बता रहा हूँ, जेन्युइन बता रहा हूँ, मैंने मुनव्वर को इतना फॉलो किया है ना कि उसको लगने वाली बुद्धू आए अब मेरे को लग रही है। ये नागिन हंड और पल्लू भाई की दुआएं हैं मेरे को लगने वाली, सच बता रहा हूँ, जोकर भैया की दुआएं लगी है मुझे। मेरा तो कुछ किया धरा भी नहीं साला, मैं 4 दिन हॉस्पिटल में क्यों हूँ? साले कुत्तों की जिंदगी। जिनको नहीं मालूम था, मैं हॉस्पिटल में था, मैं आज ही डिस्चार्ज हुआ। सुबह भी कहें 11-12 बजे के करीब मैं डिस्चार्ज हो गया, मैं घर आया हूँ। 4 दिन से नहाया नहीं था, आज नहाया हूँ, मुँह ही धो रहा था। बाकी जिसको जो भी जानना हो वो मैं अभी ज्ञानी पर डालने वाला हूँ थोड़ी देर में वीडियो, मेरा जो भी एक्सपीरियंस था हॉस्पिटल का, जितना भी मेरे को लगा बताने लायक इंटरेस्टिंग था वो मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। बाकी रिकैप करते हैं जब तक मैं नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ही एक्टिव था, मैं ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं कर पा रहा था क्योंकि डेटा पैक मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं मोबाइल पे। हाँ, तो वो पहले क्या हुआ है, पहले तो वो सीलोंग में परफॉर्म कर रहा था, उसकी फोटो आई थी, ये मेरे को याद नहीं, मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि नहीं बताई, क्योंकि मेरे को लास्ट का कुछ भी याद नहीं। अभी फिलहाल मैंने बहुत हैवी मेडिकेशन की है हॉस्पिटल में, अरे भाई ड्रिप ड्रिप चढ़ी मेरे पे, ड्रिप ड्रिप, इतना ड्रिपिंग हूँ ना मैं आजकल, मैं क्या बताऊँ। फिर उसकी एक फोटो आई थी कुल्हाड़ी के साथ, जहाँ पे उसका कुछ आ रहा है नया प्रोजेक्ट, जिसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है, बट कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है भाई ने, कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है। पता नहीं, मेरे को लग रहा था ये फर्स्ट कॉपी का है, बट अपेरेंटली मुझे लगता है ये किसी म्यूजिक वीडियो का होने वाला है, जिसके बारे में आने वाले वक्त में अपने को मिला। लड़खड़ा क्यों रहा हूँ मैं, अभी ठीक नहीं हुआ, अभी जाना है मेरे को वापस हॉस्पिटल, रुक जाओ, सबर करो, एडजस्ट करो थोड़ा, आज 1-2 दिन एटलीस्ट, 22 तारीख के बाद देखना फॉर्म में आ जाऊंगा मैं। 21 को वापस जाना है ना हॉस्पिटल, इसके बाद बताऊंगा मैं क्या होगा। वो फोटो आई, इसके अलावा फिर एक और फोटो आई जहाँ पे वो ट्रैवल कर रहा था और किंग को उसने टैग किया हुआ था। तो मेरे ख्याल से किंग जो रैपर, उसके साथ कोई प्रोजेक्ट आने वाला है मुनव्वर का। तो अगेन भाई लगा पड़ा है, पैसा नशा धंधो, फेटी पेटी मोड़ी आंदो, हम द डॉन जैसे मार्लिन ब्रांडो। फिर एक एडिट, एक फोटो थी जहाँ पे किसी ने एडिट बना दिया कि कुछ नहीं भाई, समायरा को स्कूल से लेने आया हूँ। कुछ भी मजे लेते हो तुम। और मजे की बात करें तो अभी फादर्स डे निकला है कल या परसों में, तो जो भाभी है उन्होंने फोटो डाली और मुनव्वर, दोनों ने सेम फोटो डाली, तो एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि दोनों की शादी हो गई, जो उन्होंने खुद भी अनऑफिशियली कंफर्म कर दी है। बट इसके बाद भी किसी बंदे ने टैग किया हुआ था भाभी जी को, भाभी जी घर पे हो तो बताओ हमें, फोटो डालो शादी की। अबे तू सच में देवर थोड़ी है जो भाभी बोल रहा है, अरे फोटो दिखाओ, ब्लेसिंग दो, जैसे मेरे लिए दुआएं करी ना बीमारी में, वैसे ब्लेसिंग दो, दुआओं में याद रखो बस, मेरे लिए भी कर लेना, बहुत क्रेडिट, बहुत बिल बना है, मेडिकल का बिल कवर करना है, देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। ईद ही दे दो आज, ईद मुबारक बोलूंगा फिर मैं। इसके बाद भाई मिला मुथैया मुरलीधरन से। अब जिनको मुथैया मुरलीधरन नहीं मालूम, तो उसके किसी स्टैंडअप का एक पार्ट था जिसमें मुथैया मुरलीधरन के एक्सेंट पे उसने कोई जोक मारा था, और वो मैं अभी रिपीट नहीं मारना चाह रहा, बट मैं क्लिप भी नहीं बजाने वाला, तो इफ़ यू नो यू नो, उसने भी यही लिखा है। फिर एक और फोटो आई जहाँ पे ग्रुप फोटो थी मुथैया मुरलीधरन के साथ। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा फिर वो बैंगलोर गया अपने किसी फ्रेंड के शोरूम को इनोग्रेट करने के लिए, जिसकी क्लिपिंग्स आई थी, ये मैंने ट्विटर पे देख ली थी। और उस दिन मेरे को इतना बुरा लगा ना, क्योंकि उसी दिन ये सारी फोटोज आई हैं, मुथैया के साथ उसकी ये कुल्हाड़ी वाली फ़ोटो, किंग वाली फ़ोटो। मैं कहा बहन की आकाश, तो कंटेंट ही कंटेंट था, और मेरे पास कैमरा नहीं साला, व्लॉग बना देता मैं हॉस्पिटल के अंदर, मैं सच में कर भी देता, तुम्हें पता मेरा कोई भरोसा नहीं भाई, मार देता। बीमारी कौन बीमारी, इधर आओ, व्यूज चाहिए मेरे को। अरे मैं भाई, मेरे को एडिक्शन है वीडियो बनाने और एडिट करके अपलोड मारने का, एडिक्शन हो रखा है मेरे को।
फिर बात कर रहे थे फादर्स डे की, तो फादर्स डे पे दो कार्ड्स की फोटो लगी हुई थी। तो अगर इस फोटो को ध्यान से देखोगे तो जो ऊपर वाली है वो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाभी जी की बेटी ने बनाया, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल्ड डिज़ाइन है। अब मिकाइल 5 साल का है, तो मेरे को लग रहा है नीचे वाली मिकाइल की है और ऊपर वाली समायरा की है। समायरा मेरे को कन्फर्म नहीं है कि उसका असली नाम है कि नहीं है, बट थैंकफुली उनकी शक्ल नहीं है इसमें, तो मैं ये दिखा सकता हूँ। ये क्यूट भी है और काइंड ऑफ देखने में अच्छा भी लगता है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। इसके अलावा आज ईद है, सो जो भी ईद मना रहे हैं उनको ईद मुबारक। बट अगेन जैसा हर फेस्टिवल होता है, हिंदू मुस्लिम करना लोगों के लिए ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि पता नहीं पॉलिटिकल जाऊँगा फ़ायदा नहीं उसका कोई। बट सब शुरू हो गए कि आई डोंट फील सेफ इन ईद। मैं कहा एक मिनट, जोकर भैया कुछ बोले, तुम क्यों बोल रहे हो उनके बिहाफ पे, तुम्हारे तुम लॉयर हो उनके, जोकर भैया बोलेंगे तुम चुप रहो, मजाक नहीं सहेंगे हम, जब गान भी दे देंगे उनके लिए गान वो जी नहीं ऐड करा, डी ऐड नहीं किया मैंने। हाँ, इसके अलावा डायन खान को चलाक लोमड़ी विश कर रही है ईद मुबारक। मैं कहा इनकी दोस्ती कब होगी यार, ये तो एक दूसरे को उकसाने का काम कर रहे थे मनोवर के खिलाफ। सही कहा है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, सामने एग्जाम्पल है तुम्हारे। बट आज ईद है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ईद मुबारक आयशा खान और ईशा मालविया दोनों को ही, और तुम सबको भी जो भी ईद मना रहे। और एक और बार बेशर्मी की हद हपयार करते हुए, अगर तुम मेरे को ईदी देना चाहो ईद में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, UPID कीजिएगा, बहुत बिल उठा है मेरा मेडिकल का। इसके अलावा पता नहीं ये नारा चोपड़ा का सीन क्या है, आज जब ईद है ना तो मैं थोड़ी इज्जत दे रहा हूँ, पता नहीं किसी को इसने ब्लॉक कर दिया ट्विटर पे, तो उसने टैग किया हुआ था, टैग भी नहीं दिया था, पोस्ट किया था, मेरे को मिल गया पोस्ट। तो ये जो मुनारा वाले फैंडम हैं, जो एक्चुअली पता नहीं मुनव्वर को क्यों इंक्लूड करते हैं, अगर तुम्हें रिलेवेंट रहना है तो नागिन हंडा के साथ रहो, मुनारा चोपड़ा के साथ रहो, मुनव्वर को क्यों इंक्लूड कर रहे हो, शादीशुदा आदमी है, दूर रखो उसे। मुनारा खुद भी नहीं चाहती वो शादीशुदा आदमी के साथ एसोसिएट हो, और मैं ये आउट ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्ट वे बोल रहा हूँ। तो ये लोग फैलाते रहते कि तुम्हें जितना ट्रोल करना कर लो, हमारी क्वीन ये सैसी, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहा ये क्या है फिर, ये क्या फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क सबको पड़ता है भाई, बस ये टॉलरेंस का लेवल कितना ना हमारा वो होता है। अभी जैसे आज ईद है तो मैंने नोटिस किया ये चीज़ कि लोग शुरू हो गए कि देखो पूरे साल ये बीफ मटन चिकन करने वाले आज बकरा ईद पर बकरी के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे साल ये हिंदू फेस्टिवल पर बोलते रहते हैं, आज क्यों नहीं बोल रहे, पीटा वाले शांत क्यों है, पीटा वालों ने प्रोत्साहित कर रखा ये सब। मैं कहा एक मिनट, दिवाली पर नॉइस पोल्यूशन में बोल रहे हो तुम्हारी, तुम वही लोगों तुम्हारी जी की लग जाती है, बट अगेन दूसरे का फेस्टिवल है तो तुम वापस वही चीज़ कर रहे हो जो जिससे तुम्हें प्रॉब्लम है। मैं कहा ये तो हिपोक्रेसी है तुम्हारी, डबल स्टैंडर्ड्स है तुम्हारे, तुम्हारा रिलीजन या उनकी बिलीफ या उसकी आस्था से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारा एक पॉलिटिकल एजेंडा है तुम जिसको फॉलो करना चाह रहे हो, तुमने मॉकरी बना रखी है हमारे रिलीजन हमारे कल्चर की, तुम धब्बा हो, तुम एंटी नेशनल हो सालो, एक खुशी का त्यौहार है जिसको तुम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे पॉलिटिकल एजेंडे या अलाइनमेंट के साथ नहीं जाता, शेमफुल एक्ट है यार। मैं चलो मैं मेरे आदत इसलिए निकल रहा है मेरे मुंह से, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रिस्पेक्ट दूँ लोगों को, और मेरी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं है, तभी भी मैं इतना रैशनल होकर सोच सकता हूँ, रैशनल ही होता ना मतलब बैलेंस में से सोच सकता हूँ, तुमसे वो भी नहीं हो रहा है, इतना क्या मैं चार आंखें वाला सही बंदा हूँ जो दो आंखों से भी देख सकता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ, इसके अदर न्यूज में क्या है, अल्पेश यादव का हेयर ट्रांसप्लांट, अल्पेश यादव का सही है, उसने मुनव्वर को छोड़ा, शुरू हो गया ध्रुव राठी के साथ, बढ़िया है। बट अभी पता नहीं कहाँ पे एक क्लिप आई है, मेरे को बस दो फोटो मिली है जहाँ पे अल्पेश यादव ने रिसेंटली हेयर ट्रांसप्लांट कराया, जो मुझे पता है क्योंकि जैसे उसने वो पहना हुआ था ना व्लॉग में आ रही थी कुछ फुटेजेस जब उसके ड्रामे चल रहे थे, तभी मेरे को समझ आ गया था गौरव जोन का भी, क्योंकि मैंने फॉलो किया हुआ है हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस क्या है, भाई बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मैं नहीं कर सकता, खर्चा बहुत है, मेंटेनेंस बहुत है, एक साल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, मेरे से नहीं होगा, मैं डेली वीडियो वाला बंदा हूँ, मैं 4 दिन 3 दिन बंद किया वीडियो, मेरे को इतना बुरा लगा ना, और अभी मैं आधे घंटे से ऊपर लगातार बैक टू बैक नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ क्योंकि 28 मिनट मैंने गाने के लिए रिकॉर्ड किया, मेरी एनर्जी आधे से भी कम है, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ कोशिश। तो जिसको इनसिक्योरिटी होती है ना अपने आप को लेके, वही दूसरों पे क्वेश्चन हो रहा था, बाद में एग्जैक्टली वही कर रहा होता है जब वो पैसा कमा लेता है। तो ये मेरे को मत सिखाया करो, मैं दुनिया घूम के बैठा हुआ हूँ, यानी ऐ नहीं बने हम। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई मेरी बीमारी के टाइम में वो है ध्रुव झा, कह रहा हूँ पूरब झा की पैरोडी वीडियो आई जहाँ पे उसने बाबिल और बाकी जो ये बनते हैं ना अल्फा मेल टाइप के लोग जो बताते हैं कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वाला होता है, उस पर पैरोडी बनाई जहाँ पे वो अल्पेश यादव को भी ले आया। मैं कहा अल्पेश यादव बेस्ट करता है वो,
बट वो एक्चुअली बाबिल पे बहुत सही किया उसने जेन्युइनली कुछ डायलॉग है और कुछ पंचेज रहे थे क्योंकि मेरा पूरा फीमेल स्टाफ था वहाँ पे, ऑलमोस्ट सारी लड़कियाँ ही थी, नर्सेज जितनी भी थी उनके बीच में मैं ईयरफोन्स डाल के मतलब ईयर बड्स पहन के सुन रहा था और मेरे को हंसी निकल गई। मैं कहा अगर मैंने ऐसे किसी ने भी देखा हुआ होगा ये इसलिए क्या जज कर रही होंगी मुझे अभी। True story, bro. हाँ, इसके अलावा आखिरी दो न्यूज है जहाँ पे चिंटू की एक वीडियो आई है जहाँ पे उसके ब्रेकअप के बाद उसका हाल क्या है। भाई साहब सच में कबीर सिंह बना पड़ा है वो लड़का। मैं कहा था ऐसी बंदी को डेट मत कर, मानता ही नहीं था मेरा, सुनता ही नहीं कोई मेरी मैं अपनी नहीं सुनता इनको भी क्या ब्लेम करूं। इसके अलावा फिर एक डब है आयशा खान को लेके, वो सुनो और फिर मैं निकलता हूँ। लाइक कर देना बाकी जो भी ईद मना रहे हैं उनको ईद मुबारक। पीस आउट। अभी अज्ञानी पे आएगी एक वीडियो जो मेरी मेडिकल जर्नी से रिलेटेड होगी, ठीक है? पीस आउट। बिग बॉस से बाहर आने के बाद तो लोगों ने टेढ़ी टांगों की वजह से बहुत ज्यादा ट्रोल किया। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे नई टांगे लगवा कर दी जाए क्योंकि इन दोनों के साथ अब मेरा गुजारा नहीं हो रहा। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला।